वास्तविक सफाई कर्मचारी यूनियन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि डिपार्टमेंट ने 13 ठेकेदार जो है जो एनजीओ यहाँ पर हायर किए थे कि हर बंदे के पास 110 या 115 बंदे होंगे, तो और उनकी सैलरी जो है वो टाइम टू टाइम हो, साथ ही साथ उनका जो पीएफ है वो कटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, ना तो अभी तक सैलरी टाइम टू टाइम है, साथ ही साथ जो पीएफ मई महीने से जो ये नए ठेकेदार आए हैं इन्होंने अभी तक उनका पीएफ का जो पैसा था डिपार्टमेंट यहाँ से वर्करों का काट लिया है, लेकिन अभी तक पीएफ ऑफिस जो है वहाँ पर जमा नहीं करवाया। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ से जो डेली अटेंडेंस शीट होती है वो यहाँ पर 30 दिन की जाती है, लेकिन आगे ठेकेदार 29 या 28 दिन की जो सफाई कर्मचारी के अकाउंट में है वो डालते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, एक सोनी सरदार जो इन्होंने डिपार्टमेंट ने हायर किया था कि इनका पीएफ देखने के लिए, ईएसआई देखने के लिए, अभी तक मुलाजमों को ना तो ईएसआई काट दिए उसने, तो साथ ही साथ वो कह रहा है कि अगर किसी ने पीएफ जो है ऑनलाइन करवाना है तो मैं 500 रुपया एक बंदे से लूंगा। साथ ही साथ अभी ये लाखों रुपए का जो घोटाला है ये सोनी सरदार और जो ठेकेदार जी जो है ये मिलकर कर रहे हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सफाई कर्मचारी का पैसा खाना चाहें तो वो हम इतनी आसानी से नहीं खाने देंगे, क्योंकि सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके अपना पेट भरता है, तो अगर लाखों रुपया का जब ये घोटाला करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं अपने मेयर साहब को, कमिश्नर मैम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई ना हुई और तो हो सकता है सभी सफाई कर्मचारी यूनियन जो है कोई सख्त एक्शन ले ले। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं।